स्टूडेंट, मैं प्रकाश दुबे लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम थर्मल इंजीनियरिंग, जो कि एक न्यू सब्जेक्ट है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। इस थर्मल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन हम डेली लाइफ से ले कर इंडस्ट्री एप्लीकेशन तक भी देख सकते हैं। ये थर्मल इंजीनियरिंग एक्चुअली ये थर्मल वर्ड है क्या? ये जो थर्मल वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है, या जिसका हम नाम नहीं बोल सकते, सॉरी, ये जो थर्मल वर्ड है जो ग्रीक से डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग होता है वो हीट होता है। मतलब थर्मल का मीनिंग होता है हीट होता है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम हीट को कैसे वर्क में इंट्रैक्शन मतलब हो रहा है, या वर्क का हीट में कैसे कन्वर्जन हो रहा है, या हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस थर्मल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इसको हम चार अलग सब क्लास में अपने सहूलियत के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एनर्जी रिसोर्स, हीट, मतलब हीट हमें, एनर्जी रिसोर्स मतलब हीट, हीट हमें कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए हमें एनर्जी रिसोर्स है, जैसे हम फ्यूल से ऑब्टेन कर सकते हैं, और सोलर एनर्जी से यूज कर सकते हैं, विंड से ऑब्टेन कर सकते हैं, पावर प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। पावर प्लांट में बस लेकिन जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको यूज़ करके हम वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड से तो अभी हम लोग डिस्कस किए, विंड हो गया, सोलर हो गया। तो ये अलग अलग जो सोर्सेज हैं, इसको भी अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने देर तक है या ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आधार पर भी हम एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में क्या क्या एनर्जी रिसोर्सेज होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स यह एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, या सब्जेक्ट बोल सकते हैं, यह बहुत अपने आप में एक बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। देखिए, जैसे हमने थर्मल बोला, ये एक ग्रीक वर्ड है, वैसी से एक वर्ड बना हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो आप देख रहे हैं थर्मल, और दूसरा जो है वर्ड डायनेमिक्स। थर्मल का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन प्लस फोर्स। और अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोशन, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, और अगर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो हमें एक्चुअली क्या मिलता है? वर्क मिलता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? हीट और वर्क का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में हम डिस्कशन करेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हीट का वर्क में कन्वर्जन, या वर्क का हीट में कन्वर्जन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी हम बहुत सारे, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे तो उसमें और अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पावर प्लांट। तो देखिए, पावर प्लांट में हमें, जो हमारे पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे टरबाइन हो गया, वाटर को हम सबसे पहले तो बॉयलर आता है आपका। बॉयलर में हम क्या करते हैं? वाटर को फिट करते हैं, फ्यूल सप्लाई करते हैं, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सो देन वो स्टीम को हम लोग क्या कर सकते हैं? टरबाइन में एक्सपांड करते हैं। टरबाइन को, ब्लेड को बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो पावर प्लांट में हम स्टीम को कैसे जनरेट करेंगे बॉयलर में, उसके बाद उस स्टीम को कैसे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टरबाइन में, देन इसमें हम लोग कंप्रेसर के, कंडेंसर के बारे में भी पढ़ेंगे। कंडेंसर में हम बेसिकली क्या करते हैं? जो एग्जॉस्ट हीट होता है, जो टरबाइन से जो स्टीम निकलता है उसको हम लोग कूल करते हैं, ताकि हम इजिली उसको देन अगेन बॉयलर में पंप कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, देन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे, कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
सो पावर प्लांट में ये अलग अलग जो जो भी इक्विपमेंट हम बोल सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन जो थर्मल इंजीनियरिंग का जो फोर्थ टॉपिक आएगा वो है हीट ट्रांसफ़र। तो इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो हीट होता है हीट किस किस तरीके से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हीट को हम कंडक्शन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेडिएशन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपका कंडक्शन हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेडिएशन हो जाएगा। और इसके बाद इसका क्या, ये जो हीट ट्रांसफ़र है तो इसका इंडस्ट्री में जैसे हीट एक्सचेंजर में इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा जो थर्मल इंजीनियरिंग है जिसको कि हम अपने सुविधा के अनुसार चार अलग अलग भागों में डिवाइड करें, तो इसको हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसका हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम एक क्या एप्लीकेशन है थर्मल इंजीनियरिंग का, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, ये तो थर्मल इंजीनियरिंग है। थर्मल इंजीनियरिंग हमारे एवरीडे लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्री दोनों में इसका यूज होता है। अब एवरीडे में हम बात करें तो जैसे सपोज करिए कि पानी है, पानी को हम हीट देते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये भी एक थर्मल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन ही है। जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर हम हीट करते हैं तो देन वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और भी अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे अभी गर्मी का दिन आ गया, हमारे पसीने निकलेंगे, पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारा पसीना सूख जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो हमारा जो स्वेप्ट होता है, पसीना होता है, वो वेपोराइज हो जाता है और हमें ठंडक फील होती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। हम बाइक चलाते हैं, बाइक को हम रोकते हैं तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रेक लगाए मतलब वर्क हुआ, वर्क हुआ तो अगर आप ब्रेक शू को अगर आप टच करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको हीटेड मिलेगा, मतलब वो गर्म रहता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? सो ये हमारा एप्लीकेशन है थर्मल इंजीनियरिंग का। इसके बाद अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखिए पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया कि ये जो थर्मल इंजीनियरिंग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयलर में कि कैसे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वो स्टीम को फिर टर्बाइन में एक्सपांड किया जाता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है? इसके अलावा इसका और अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन में देखिए, सबसे पहले तो हमने एक लिख लेते हैं स्टीम पावर प्लांट में इसका एप्लीकेशन है। जैसे फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं उसमें आप देखे होंगे कि जो इंजन होता है उसको बोला जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसमें भी हम कैसे पेट्रोल और पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एक एप्लीकेशन के तौर पे हम देख सकते हैं। इसके बाद हम गैस पावर प्लांट, कैसे हम गैस का यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं या पावर जनरेट करते हैं, उसका हम एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हम डोमेस्टिक यूज़ में भी देख सकते हैं, जैसे कैसे हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, वो भी हमारे ये थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। एसी का जो हम यूज़ करते हैं, क्लियर है? तो एसी रेफ्रिजरेशन हो गया, एसी हो गया, तो ये सारे जो हैं हमारे थर्मल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन हैं। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके हमारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अभी हमने थर्मल इंजीनियरिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो हमारे अभी सब्जेक्ट सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में, तो देखिए यूनिट वन में हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमने इसमें देखेंगे कि एनर्जी होता क्या है और ये जो एनर्जी होता है हमें कौन कौन से अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन होती है। ठीक है? इसके बाद
इस जो एनर्जी है इसका हम क्लासिफाई करेंगे। तो एक होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा होता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एक्सेट्रा। तो ये सब के बारे में कि कैसे विंड से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, सोलर से हम कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल एक्चुअली फॉसिल फ्यूल से जो क्रूड ऑयल होता है उसी से हम पेट्रोल और डीजल ये सब ऑब्टेन करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल हो गया। तो इससे हम कैसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे इसके बारे में भी हम एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे। देन जो हमारा यूनिट टू रहेगा, यूनिट टू का नाम है फंडामेंटल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो देखिए थर्मोडाइनमिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था। एक तो थर्मल का मीनिंग था हीट और डायनेमिक्स का मतलब था वर्क। तो कैसे ये फंडामेंटल, इसमें सबसे पहले तो हम कंसेप्ट देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम के बाद हम जो पर्टिकुलर जो सिस्टम हो गया उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, साइकिल के बारे में देखेंगे, प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे कंसेप्ट में हम पार्ट क्लियर डिस्कशन करेंगे। देन वर्क और हीट एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिसिमिलर हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये कैसे हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है, वर्क जो हीट में कन्वर्ट होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन थर्मोडाइनमिक्स का जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉ है उसके बारे में, जैसे फर्स्ट लॉ हो गया, जीरोथ लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उसका क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट लॉ का जैसे बॉयलर में क्या एप्लीकेशन है, टर्बाइन में, कंडेंसर में, हीट एक्सचेंजर में, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी कवर करने हैं। देन सेकेंड लॉ का जो एप्लीकेशन है वो रेफ्रिजरेशन हो गया, हीट पंप हो गया, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट आएगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देन हम आते हैं यूनिट थ्री में। तो यूनिट थ्री जो है वो आइडियल गैस है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आइडियल गैस होता क्या है, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या कोई भी, या ये बस ये कि एक आइडियल चीज़ है। वो ओबियसली आइडियल है तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए, बट रियल में नहीं होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन इसमें हमें वेरियस लॉ पढ़ना होगा, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लूसेंक लॉ एक आएगा, गैस लूसेंस लॉ आएगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आइडियल गैस के बहुत से प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक, पॉलीटॉपिक प्रोसेस, तो उसके बारे में हम डिटेल में और साथ में यहाँ पे हम न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूनिट फोर में। तो यूनिट फोर में बेसिकली देखिए, यहाँ तक ये हमारा थर्मोडाइनमिक्स पोर्शन था जो सेकेंड हमने क्लासीफाई किया था, यहाँ हमारा पावर प्लांट पोर्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए वाटर को कैसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस स्टीम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसको पी एस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे कि कैसे हम वाटर को हीट करते जाते हैं, तो वो कर्व हमें ऑप्टेन, वेरियस कर्व ऑप्टेन होते जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन ये जो स्टीम को हम प्रोड्यूस किसमें करते हैं, बॉयलर में करते हैं, तो बॉयलर का क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है और उसका क्या वर्किंग होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में यूनिट फोर में देखेंगे। देन हम मूव करते हैं यूनिट फाइव में। तो यूनिट फाइव में अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टीम टर्बाइन और कंडेंसर के बारे में। एक बार जब हम स्टीम बॉयलर में जनरेट कर लेंगे या ऑप्टेन कर लेंगे तो उसको ऑब्वियसली एक्सपांड किया जाएगा टर्बाइन में। तो टर्बाइन के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे इम्पल्स टर्बाइन होता है, रिएक्शन टर्बाइन होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम देखेंगे। और एक वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग होता क्या है, जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये वेरी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देन कंडेंसर का क्या फंक्शन होता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या इसका वर्किंग रहेगा, इसको भी हम यूनिट फिफ्थ में
कवर करेंगे। देन हमारा जो लास्ट यूनिट होता है वो होता है हीट ट्रांसफर, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन का फोर्थ पार्ट था, हीट ट्रांसफर। तो इसमें हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफर को कैसे हीट ट्रांसफर होता है, जैसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, कौन कौन से अलग अलग लॉ। जैसे जो कंडक्शन होता है वो फॉरियर लॉ को गवर्न करता है, जो कन्वेक्शन होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को गवर्न करता है, रेडिएशन जो होता है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को गवर्न करता है। तो इन तीनों में क्या बेसिकली क्या मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके बाद फिर ये हीट ट्रांसफर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हीट एक्सचेंजर में, यानी कि जो हीट लॉस होता है उसको हम कैसे यूज करें अपने इफिशियंसी को, अपने इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर में हम यहाँ भी क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है और इसके ऊपर क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो सिलेबस है थर्मल इंजीनियरिंग का ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट को पकड़ेंगे और उसको फिर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।